हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश शुक्ला। और आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए, आपको किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और किन किन सोर्सेज को आपको नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या आपको कोचिंग लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, इन सभी पे हम बात करेंगे। मेरा चयन बीपीएससी 2.0 से टीजीटी और जूनियर दोनों ही पोस्ट पर हुआ था। मैं आपको अपनी भी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और आपके लिए क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। अगर आप किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या जूनियर हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, वो मटेरियल्स दिखाऊंगा जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, वहां पे पूछे गए हैं। तो मैं आपको वो मटेरियल सजेस्ट करूंगा, वो मटेरियल आपको मैं यहाँ वीडियो में भी दिखाने का प्रयास करूंगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप समझ सकेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से आप अपना सिलेक्शन जो है श्योर कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है मतलब उसमें एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर नहीं बताया गया है कि आपको ये पढ़ना है, यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास एकमात्र सहारा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू चूंकि अपने टाइम पे मैंने भी, जब मुझे टीआरई 2 देना था तो मैंने पीवाईक्यू का ही मेनली सहारा लिया था, और उस टाइम पे देखा जाए तो प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं था, केवल 1 से 1.5 महीने का समय था। तो उस टाइम पे चूंकि टाइम भी कम था और पढ़ने के लिए ढेर सारा चूंकि कंटेंट रहता है, तो उस टाइम पे मैंने केवल वही चीजें फॉलो की जहां से मुझे उम्मीद था और जहां से मैंने देखा था कि टीआरई 1 में क्वेश्चंस आए हैं, वही वही मैंने मटेरियल्स फॉलो किया था, जिसके बदौलत मेरा एक अच्छा खासा स्कोर था। मेरा 88 मार्क्स था टीआरई 2 में, टीजीटी में भी और जूनियर में भी, क्योंकि अभी फिलहाल मैं टीजीटी और जूनियर दोनों के लिए ही एलिजिबल था, अभी पीजीटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो टीजीटी और जूनियर मैंने दोनों ही पेपर दिए थे और दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था और दोनों में ही मेरा 88 मार्क्स था। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पे भी हमने कुछ पेपर्स अपलोड किए हैं उनके फाइनल आंसर की के साथ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि काफी चीजें, यहाँ की जो एससीईआरटी की किताब चलती है, जो बच्चों की किताबें हैं 9-10 में, 11-12 में, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आप देखेंगे तो जो नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी की किताब चलती है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग मतलब हर विषय का यही एक वो है कि या तो देखो क्वेश्चन वो आपका एससीईआरटी की किताब से आएगा जो बिहार बोर्ड में चलती हैं, या तो वो क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी से आएगा, या फिर वो क्वेश्चन लगभग जो है नॉर्मल लेवल का आएगा, जो जिसे आप कोई भी किताब पढ़कर वो प्रिपेयर कर सकते थे या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर आप प्रिपरेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका जो भी विषय हो, आप अपने विषय की एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताबें रख लें अपने पास, या फिर आपको ऑनलाइन मिल सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं उनका पीडीएफ वगैरह। तो फिर आप जो है पीवाईक्यूज अपने पास रखिए और दोनों से आप मैच करिए, आप ये देखने का प्रयास करिए कि कहाँ से क्वेश्चंस अधिक आ रहे हैं। आपका हो सकता है कि कुछ सेक्शन से, हो सकता है एससीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो सकता है कुछ सेक्शन से आपका पूछा जा रहा हो एनसीईआरटी से, तो आप इसे एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से एक बार इसे पूरा एनालाइज कर लीजिए। इसमें अगर आपका 1 हफ्ता या 10 दिन भी चला जाए तो वो आपके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जब एक बार आप अपना रिसोर्स डिसाइड कर लोगे कि आपको यही सोर्सेस फॉलो करने हैं, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। आपको देखिए, ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा तभी जाके मेरा सिलेक्शन होगा। देखिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि बहुत ज्यादा पढ़ने पे सिलेक्शन होता है। इवन मैं देखता हूँ कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो अक्सर वो मतलब वो जॉब्स नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि देखिए जॉब अगर आपको निकालनी है तो आपको केवल पढ़ाई में ही तेज नहीं होना है, साथ में आपको जो है स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो वो कभी कवर होने वाला नहीं है। जैसे मेरे पास ही कभी कभी मैसेज आते हैं या फिर कुछ लोग
टेलीग्राम वगैरह पे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि ये किताबें खरीद लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। देखिए, पॉसिबल नहीं होता कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाएंगे। क्योंकि मैं अगर आपको अपना भी अनुभव बताऊं तो मेरा जब टीआरई 2 मुझे देना था तो उस टाइम पे हालांकि मेरा सब्जेक्ट पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर था और उस टाइम पे मुझे जो भी 1-1.5 महीने का समय मिला तो मैं केवल उन्ही चीजों को पढ़ा जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब मैंने अदर कोई भी ना कोचिंग ली थी और ना ही कोई ऐसा कोई नई किताब मंगा लिया था मैं, तो वो सभी मतलब कि काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए क्योंकि मैंने अच्छा खासा समय इसमें एनालाइज करने में दिया था कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। या तो देखिए, क्वेश्चन मैक्सिमम एससीईआरटी से आते हैं या तो एनसीईआरटी से आते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है कि आप एनालाइज कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है। हो सकता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हों ढेर सारे, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए अपने सब्जेक्ट की। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके NCERT से क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर SCERT से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप एक बार इसे देख लीजिए। बाकी आपको एक देखिए स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी ही है अपने विषय की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टैंडर्ड बुक मत पढ़िए, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, लेकिन जैसे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से या जो क्वेश्चंस एससीईआरटी से आते हैं वो आपको अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया था कि आप पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़िए, 9-10 की SST जिनका सब्जेक्ट था, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है इसलिए मैं एनसीईआरटी तो नहीं, 9-10 की किताब कौन पढ़ेगा। लेकिन देखिए, जो क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे वो आपको बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत संविधान की किताब है और यहाँ पे आपको ये आपकी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, राजनीति विज्ञान की। तो इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जैसे आपका अगर बहुत हाई लेवल पे भी प्रिपेयर है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपने पढ़ी है राइटरों की, उसके बावजूद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप NCERT या SCERT आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, जो PYQs हैं आपके पास उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अगर NCERT से आए हैं तो NCERT पढ़िए, SCERT से आए हैं तो SCERT पढ़िए। तो फर्स्ट काम तो आपको यही करना है कि आपको प्रिपरेशन की शुरुआत इन्हीं किताबों से करनी है। उसके बाद अभी आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी PYQs हुए हैं, क्योंकि ढेर सारे PYQ आपको मिल जाएंगे, और मोस्टली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जूनियर में होते हैं वही सब्जेक्ट आपको TGT में भी मिल सकता है, PGT में भी मिल सकता है, तो आप सभी के क्वेश्चंस लगाइए। आप PGT के भी क्वेश्चंस देख लीजिए कि उस विषय में क्या आ रहे हैं, TGT के भी क्वेश्चंस देख लीजिए और 6-8 के भी क्वेश्चंस देख लीजिए। मेनली जैसे अगर मैं कहूँ तो जैसे जूनियर और TGT का पेपर लगभग मिलता जुलता रहता है, TGT का स्तर थोड़ा सा ऊपर रहता है, बाकी जूनियर का भी स्तर लगभग उतना ही रहता है, और हालांकि थोड़ा PGT का जो 11-12 का है वो थोड़ा स्तर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको PYQs के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। और एक किताब आपको इधर दिख रही होगी, ये किताब आप लोग मंगा लीजिएगा, ये आपको GS में काफी हेल्प करेगी। किताब यूथ कंपटीशन टाइम की है, मैं भी इसे अपने टाइम पे परचेस किया था। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और GS का जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है और आपका जियोग्राफी है, साइंस है, मैथ्स है, तो ये जो भी सब्जेक्ट हैं आप एक बार थोड़ा यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप एक बार उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, उन्हें लगा लीजिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ GS की, तो देखिए GS में अक्सर मैं देखता हूँ कि जो BPSC क्या करता है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है। हालांकि जो आदर्श स्थिति ये होगी कि आप NCERT को ही फॉलो करिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो भी कुछ मिल रहा है NCERT से वो पढ़ लीजिए, जियोग्राफी में आपको जो भी कुछ NCERT से मिल रहा है आप उसको पढ़ लीजिए, साइंस में। लेकिन चूंकि ये सभी NCERT पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, एक व्यक्ति के लिए वो कितनी किताबें पढ़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इस बुक से सारे क्वेश्चंस लगा जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, आपका साइंस का हो, मैथ्स का हो, आप एक बार क्वेश्चंस लगा जाइए, क्योंकि ये BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इस किताब में हैं। तो आप यहाँ से अगर एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लगभग एक आइडिया लग जाएगा, और लगभग आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको कुछ वैसा ही मिलता जुलता या वहां से ही रिपीट हुआ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा TRE 4.0 में। और जितने भी PYQs हुए हैं आप उन्हें तो जरूर लगा लीजिए GS के लिए, चाहे वो आपका जूनियर का पेपर क्यों ना हो, चाहे वो TGT का पेपर क्यों ना हो, चाहे PGT का पेपर हो, सभी का। देखिए GS का सेक्शन तो अलग था, और ये आप TRE 1 से उठाइए, TRE 1 से, TRE 2 से, TRE 3 से, अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपका ढेर सारा जो है एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। चूंकि देखिए GS के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि आपको किस तरीके से GS की बेहतर प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन चूंकि टाइम अगर कम है लास्ट मोमेंट पे और
क्योंकि मैं भी यही फॉलो किया था और मुझे यहाँ से बेनिफिट भी मिला था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि नई किताबें पढ़ सकूं मैं या नए नए कंटेंट को फॉलो कर सकूं, ढेर सारी किताबें या एनसीईआरटी वगैरह पूरी पढ़ सकूं, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने भी यही किया था कि मैं पीवाई के सारे क्वेश्चन लगा लिया था। मेरे पास घटनाचक्र की भी किताब थी और ये यूथ वाली भी किताब थी। हालांकि यूथ वाली किताब में आपको घटनाचक्र वाले भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप अगर बुक परचेस करें तो आप यूथ वाली परचेस करिए, उसमें आपको क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जाम्स के भी जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुए हैं वहां के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखिए आप जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि प्रैक्टिस सेट लगाया जाए, तो जैसे प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में फिलहाल ऐसा कोई बेहतर प्रैक्टिस सेट नहीं अवेलेबल है अभी तक भी। इवन जैसे मैंने देखा तो वो उस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं जो है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वैसे अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो वो टेक्स्ट बुक का थोड़ा बहुत है, आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मंगा सकते हैं। प्रैक्टिस आप तभी करिए जब आपका लगभग सिलेबस, मतलब कि 60-70% सिलेबस अगर आपका कवर है तब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप नहीं अभी प्रिपेयर करना शुरू किया तो शुरू में ही आप प्रैक्टिस सेट मत लगाइए। प्रैक्टिस सेट और भी आता है, रुक्मिनी का आता है, एडुटेरिया का है, तो ये सभी आप प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं जीएस के लिए भी और अपने सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सोर्सेज भी दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हालांकि मैं आपको एक ही विषय का दिखा पाऊंगा क्योंकि सभी विषयों के पॉसिबल नहीं है कि आपको सोर्सेज बताए जा सकें, क्योंकि इतना चूंकि उसमें काफ़ी जो है रिसर्च करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी एससीईआरटी को खोजना पड़ेगा। तो जो मेरा विषय है मैं आपको उसके क्वेश्चंस दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेल्फ बिलीव होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तक आप अपने आप को कम ही समझते हैं। और हालांकि ये अच्छा है कि आप खुद को कम समझ रहे हैं, इससे आप जो है और पढ़ते हैं और प्रिपरेशन आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप काफी प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मैं आपको बताया कि एक लोगों को मैंने सजेस्ट किया कि आप पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए 9-10 की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पॉलिटी के टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पॉलिटी मेरा इशू नहीं है। बट फाइनल एग्जाम में जब वो गए तो उन्हें प्रॉब्लम हुई इस चीज के लिए। तो देखिए आप किसी भी चीज को कम मत समझिए, एनसीईआरटी है तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है। और खुद पे सेल्फ बिलीव रखिए, आप जितना पढ़ रहे हैं उतना इनफ है ये मान के आप चलिए। और इस तरीके से देखिए चूंकि आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो आप एग्जाम में भी बेहतर करके आते हैं। बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे रहते हैं कि जो आपको नहीं आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो वहां पे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही उन प्रश्नों को भी सही कर पाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। तो देखिए शुरू में मैंने कहा था कि क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस आपको देखिए यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं तो देखिए ये मैं आपको एसएसटी का क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मेरा विषय था एसएसटी तो मैं आपको एसएसटी के ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। हालांकि आप ये इसे देखिए जरूर, क्योंकि ये आप एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस वाकई में एनसीईआरटी एससीईआरटी से आते हैं, मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इसे जरूर देखिए। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सबसे पहले कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष जो है ये स्थापित की गई थी, तो इसी का अगर मैं आपको देखिए इसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है क्लास 10 की एससीईआरटी बिहार बोर्ड की, जो बिहार बोर्ड में चलती है, तो इसमें आपको देखिए दिख रहा होगा कि 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ और 1921 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिल खुल चुकी थी। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सीधे एससीईआरटी से है। ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं सब नहीं ले पाया हूँ, और चूंकि सभी क्वेश्चंस मैं लूंगा और ऐसे एनालाइज करूंगा तो वो पॉसिबल भी नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका यहाँ पे आपको 10 की एससीईआरटी की किताब में आपको वो चीज मिल जा रही है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें है कि हिटलर की आत्मकथा, जिसमें देखिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसमें पूछ रहा है हिटलर की आत्मकथा, तो आपको डायरेक्टली आत्मकथा जो है बताना है। क्वेश्चन है पूरा कि जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे ये 9th की एससीईआरटी में दिख रहा होगा, ये 9th की जो बिहार बोर्ड की एससीईआरटी है वहां पे आपको दिख रहा होगा कि हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की, जिसमें उसने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।
तो ये देख सकते हैं कि आप ये क्लास 9 की हिस्ट्री की एससीईआरटी है जो वहां से क्वेश्चन आया है, ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। इसमें देखिए सी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान एक्चुअली इसे इसका जो इंग्लिश वर्जन था, इंग्लिश वर्जन में इसका लिखा हुआ था कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस ही बुक का नाम है। तो कॉमन सेंस हालांकि वो इंग्लिश वर्जन में लिखा था, तो इंग्लिश वर्जन का ये ट्रांसलेट हिंदी किया है, तो उसे सामान्य ज्ञान लिख दिया। कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, बट ये जो इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहता है हिंदी में भी रहता है, तो अगर आप इंग्लिश वर्जन देखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन सेंस लिखा था वहां पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका, ये भी क्लास 9 की एससीईआरटी की किताब से है, बिहार बोर्ड जो 9th में चलती है, कि 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। ये कॉमन सेंस किसकी है? थॉमस पेन की है। तो जस्ट यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा इधर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। तो ये भी देखिए 1875 है, 1907 है, 1885 है। तो इसका भी आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये 10वीं की जो एससीईआरटी है बिहार बोर्ड की, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम टिस्को है, इसकी स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। तो देखिए इसका भी आपको आंसर मिल रहा है। तो लगभग जो चीजें हैं वो आपको यहीं से मिलती हुई दिखेंगी। आपका कोई भी विषय हो, आप एक बार पीवाईक्यूज उठा लीजिए, आप एक बार जो है अब अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी या एससीईआरटी उठा लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि कौन से मटेरियल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप उसी मटेरियल को बार बार पढ़िए। देखिए ये कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई आपको और नहीं बताएगा, या किसी कोचिंग संस्था में आपको ये जानकारी नहीं दी जाएगी। अभी हम बात करेंगे कोचिंग पे भी, कि अगर आपको कोचिंग लेना चाहिए या बेहतर होगा या नहीं होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक आप क्वेश्चन और देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए, यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये देख सकते हैं आप, 1878 है, 85 है, 80 है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आंसर इसका आप देख सकते हैं कि 1878 ईस्वी में लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातोरात जो है अंग्रेजों में प्रकाशित होने लगा। तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, मतलब कि कई जो समाचार पत्र थे वो इसके बाद क्या होने लगे, इंग्लिश में प्रकाशित होने लगे थे, क्योंकि ये भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो ये देखिए क्वेश्चंस जो थे ये एससीईआरटी की किताब से थे, बिहार बोर्ड की, और चूंकि हिस्ट्री में जो मैंने एनालाइज किया था वो क्वेश्चंस लगभग एससीईआरटी से पूछे जा रहे थे, तो मैंने भी एससीईआरटी ही पढ़ी थी 9th 10th की। और मैं ये लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है और आप 6 to 8 या 9th 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको फॉलो करनी चाहिए बिहार बोर्ड की 9th 10th की एससीईआरटी की किताब। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो मैंने उसमें आपको सजेस्ट किया था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, तो आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए। तो देखिए ये चीजें तो मैं सजेस्ट किया था, पहले ही आपको बता चुका था जब आपका टियरी 3 का एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन आप टियरी 4 एग्जाम देने जा रहे हैं, और चूंकि आपको अब ये पता चल भी चुका है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और देखिए हम सभी को पता रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, फिर भी खुद के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, और इसलिए मैं देखता हूँ कि हम लोग बिलीव करते हैं कि कोई कोचिंग ले लें, अच्छा कोचिंग से हो सकता है। देखिए नो डाउट कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन चूंकि जैसे मुझे लगता है कि कोचिंग आपको तब लेनी चाहिए जैसे किसी एग्जाम में आपके पास 1-2 साल का समय हो, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए। अगर किसी एग्जाम में 3-4 महीने का समय हो तो कोचिंग लेना थोड़ा सा वो आपके लिए मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए जब आप कोचिंग लेते हैं किसी संस्था में तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराएं टाइमली,
तो वो क्या करते हैं, सभी क्लासेस आपको टाइमली प्रोवाइड कराते हैं और ऐसे ढेर सारी क्लासेस हो जाती हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, फिर जीएस भी आप पढ़ेंगे, अपना भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपके सब्जेक्ट में भी कई सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। तो इस प्रकार से होता ये है कि आपको एक ही दिन में 6-6, 7-7 क्लासेस मिलने लगती हैं, जिससे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आप 6-7 क्लासेस नहीं देख सकते एक दिन में, और अगर आप देख भी लेते हैं तो आप ना तो उसका नोट्स बना पाएंगे, ना तो आप कुछ कर पाएंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है कोचिंग के साथ में, क्योंकि देखिए आपका जो टीआरई 4 है वो बहुत अगर टाइम लगेगा तो मुझे लगता है कि 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए आपका। तो लगभग आपके पास टाइम इतना ही है, 3 से 4 महीने का जो ओवरऑल मुझे समझ में आता है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप अपने पे बल्कि काम करिए, बेहतर आप अपने इस पे काम करिए कि जो PYQs हैं उसको आप एक बार देखिए, फिर किताबें देखिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद जो है प्रिपरेशन आप शुरू करिए। और चूंकि अपने ऊपर देखिए आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और फिर हमें लगता है कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोचिंग भी लेने के बाद आपको बल्कि डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्लासेस भी देखते हैं आप, नोट्स भी बनाते हैं, तो इस तरीके से मतलब देखा जाए तो आपको मेहनत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आपको सेल्फ ही प्रिपेयर करना चाहिए, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंटेंट वगैरह नहीं जुटा पाऊंगा या मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, मैं अपने से चीज़ें नहीं मैनेज कर पाऊंगा, तो उस कंडीशन में आप कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग भी हेल्पफुल होगी, बिल्कुल हेल्पफुल होगी, बट यही है कि जैसे 3-4 महीने में अगर आपका एग्जाम होता है तो कोचिंग का जैसे उतना बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, या फिर अगर कोचिंग में आपको केवल यही सब पढ़ाया जाए, SCERTs पढ़ाई जाए तब तो यूजफुल रहेगा, लेकिन जैसे कोचिंग में होता है कि आपको पूरा जो है SCERT वगैरह कंटेंट भी शामिल कर लेते हैं, अदर कंटेंट भी शामिल कर लेते हैं, तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में भी सेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, चूंकि हम सभी क्या है ह्यूमन बींग है और कंप्यूटर नहीं है हम लोग, अलग इंसान ने कंप्यूटर बनाया, लेकिन हम लोग कंप्यूटर की तरह मेमोरी हमारी नहीं है कि हम उसे तुरंत स्टोर कर लें और काम लगने पे वो चीज़ें याद भी आ जाएं, हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को लिखना पड़ता है, लिख लिख के पढ़ना पड़ता है। तो बेहतर आपके लिए देखिए यही होगा कि आप अपने से प्रिपरेशन की शुरुआत करिए, और जो मैं आपको सजेस्ट किया हूँ कि PYQs उठाइए और किताबें देखिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, और इसमें अगर आपका हफ्ता 10 दिन भी जा रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से प्रिपेयर कर लेंगे, 2 महीने का ही खेल है, 2 महीने में तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। बस ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, और जो भी आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए कि वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं। अब पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छी कोई किताब से पढ़ रहे हैं और आउटपुट देखा जाए तो वहां से प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, तो देखिए अच्छे राइटर की किताब पढ़ने से ये नहीं होता कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, इवन कुछ लोग कहते हैं UPSC ऑप्शनल लेवल की भी किताबें बोलते हैं कि ये किताबें पढ़ने का काम हो जाएगा। देखिए आपको उतना मेहनत करना ही नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, जब मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे भी लगता था कि शायद मैं कंटेंट कम पढ़ता हूँ या बाकी लोग मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा देखिए नहीं है, आप कंटेंट कम ही पढ़िए और उसे बेहतर तरीके से पढ़िए, और वो आपका जो कंटेंट है वो बेहतर होना भी चाहिए कि वो वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें वहाँ पर मिल जानी चाहिए। बाकी देखिए आप बेहतर स्कोर करने का प्रयास करिए, चूँकि अगर आप बेहतर स्कोर करते हैं तो उससे आपका जो मनचाहा डिस्ट्रिक्ट आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका स्कोर ही डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो ये सभी देखिए, क्योंकि बाद में आपके पास चांस नहीं रहता, एक बार पेपर हो गया तो पेपर हो गया, फिर आप मान लीजिए आंसर की मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है, तो कई बार सिलेक्शन तो हो जाता है लोगों को बट डिस्ट्रिक्ट दूर दूर मिल जाता है, तो अगर आप जो मनचाहा डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतर मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिल सके और आप खुद के ऊपर भी सेल्फ बिलीव कर सकें कि आपको मतलब सिर्फ देखिए कोचिंग लेना गलत नहीं है, लेकिन जैसे कोचिंग लेकर फिर उतनी मेहनत कर पाना, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर पाना, चूंकि PDF से तो पढ़ पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, PDF आप पढ़ते हैं फिर इधर उधर होता है PDF और फिर कितनी चीज़ें याद रह जाते हैं, मतलब मेरा मुझे लगता है कि जैसे अगर आप चीज़ें लिख के पढ़ते हैं, अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, तो
इस तरीके से आपकी जो है वो आपके दिमाग में चीजें बैठने लगती हैं, और इसलिए ये एक बेहतर तरीका होगा। बाकी आप चाहें तो कोचिंग भी ले सकते हैं, आपको जो भी कोचिंग बेस्ट लगती हो अपने सब्जेक्ट की आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और मेन देखिए प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही। इस वीडियो को जो मैं बनाने का मेरा उद्देश्य था यही कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स पे भरोसा रखिए, पीवाईक्यूज पे भरोसा रखिए। और जैसे भी चूंकि देखिए एग्जाम का पैटर्न दिनों दिन चेंज होगा, TRE 1 आपको देखेंगे तो TRE 2 टफ लगेगा, TRE 2 देखेंगे तो TRE 3 आपको टफ लगेगा। तो आप यही मान के चल सकते हैं कि TRE 3 से भी थोड़ा बहुत अपर लेवल आपको देखने को मिलेगा TRE 4.0 में। तो देखिए ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको मोटिवेशन के साथ में वो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें जिन्हें आप फॉलो करके TRE 4.0 में एक निश्चित सफलता को हासिल करें। और आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।